हेलो दोस्तों, एमजे इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। हमारे एक व्यूअर हैं सूरज कुमार करके, उन्होंने पूछा था सर कि जो है मेरा एसएमपीएस जो है कंप्यूटर का, वो लगाते ही जो उनके उनके घर का एमसीबी है ट्रिप कर जाता है। तो उनके जवाब में जो है हम ये वीडियो लेकर आए हैं, तो हम कुछ कारण बता देंगे उनको और जिससे उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। लेकिन हम उनको सजेशन देंगे, ये जो है अपना एसएमपीएस तभी खोलें जब थोड़ी बहुत जानकारी रखते हों, नहीं तो जो है करंट लगने का डर रहता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, यह एक कंप्यूटर का एसएमपीएस है। तो इसके जो है सप्लाई देने पर एमसीबी ट्रिप करने का तीन चार कारण हो सकते हैं, सबको हम बता देते हैं। एक तो सबसे पहला कारण होता है कि जो है हम लोग सप्लाई देते हैं और सप्लाई वायर जो है कहीं शॉर्ट हो। सप्लाई वायर बहुत कम शॉर्ट होने का चांस होता है, ज़्यादा प्रॉब्लम जो है सर्किट में ही होता है। तो सर्किट में जो है क्या क्या ख़राब हो सकता है उसको हम दिखा देते हैं आपको और समझा भी देते हैं कैसे चेक किया जाता है उसको। तो ये मल्टीमीटर है मेरा, की सहायता से हम आपको समझा देंगे। देखिए दोस्तों, कोई भी कंप्यूटर का एसएमपीएस होता है तो उसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव टर्मिनल का इनपुट होता है। तो जो इनपुट यहाँ पर है देख सकते हैं, ये है आपका इनपुट। यहाँ से जो है इनपुट होके इसको यहाँ देख सकते हैं आप लोग, यहाँ से और यहाँ इनपुट दिया जाता है। यहाँ पर इनपुट दिया जाता है, इसके बाद जो है ये सप्लाई फ्यूज से होते हुए इन चार डायोड जो ब्रिज रेक्टिफायर बना होता है इसमें जाता है। तो ज़्यादातर प्रॉब्लम जो है ये ब्रिज रेक्टिफायर के ख़राब होने से ही होता है। तो इसको हम बता देते हैं कैसे चेक होगा। ये चारों डायोड हैं, इसको चेक करने के लिए मल्टीमीटर को देखिए, कंटिन्यूटी के मोड पर सेट करिए, ये है कंटिन्यूटी का मोड। और इसको जो है रेड वाला जो प्रोब है मल्टीमीटर का, इसको जो है ये जो डायोड का सफ़ेद वाला लाइन है यहाँ पर देख सकते हैं आप, डायोड का सफ़ेद लाइन, इसको इस पे रखें एक बार और ये माइनस वाला प्रोब दूसरी साइड में लगाएं। तो देखिएगा ये रीडिंग नहीं आनी चाहिए मल्टीमीटर कोई भी, तब ये आपका डायोड सही है, देख सकते हैं। अब इसके बाद जो है इसको पलट के लगाएं, ये माइनस वाला जो काला प्रोब है इसको सफ़ेद वाली साइड में लगाएं, तो इस पे रीडिंग शो करना चाहिए मल्टीमीटर पे। आप देख सकते हैं रीडिंग शो किया, ठीक यही प्रक्रिया ये चारों डायोड चेक किया करें। अगर रीडिंग दोनों तरफ शो करता है आपका, एक तरफ ही शो करता है फिर पलट के चेक करने पर उस तरफ भी शो करता है, तो समझ लीजिए ये डायोड आपका शॉर्ट है और उसी डायोड की वजह से जो है आपका ये चारों डायोड चेक करने के बाद अगर दोनों साइड में अगर लगाने पर मल्टीमीटर का प्रोब दोनों साइड में लगाने पर रीडिंग आता है, तो समझ लीजिए वो डायोड आपका शॉर्ट है और उसी की वजह से आपका एमसीबी ट्रिप कर रहा है। अगर सब ये डायोड सही हैं, एक ही तरफ रीडिंग बता रहे हैं, तो इसके आगे आता है ये दो कंडेंसर रहता है, देख सकते हैं ये हाई वोल्टेज कंडेंसर होते हैं 200 वोल्ट का, 470 माइक्रोफेरेड का है। तो इसको हम लोग चेक करने से पहले आपको सजेशन देंगे कि इसको जो है आपके पास अगर कोई एलईडी बल्ब है इस टाइप का, तो इसको देख सकते हैं इसमें दो टर्मिनल होता है कैपेसिटर में, एक ये टर्मिनल एक ये टर्मिनल, ये बल्ब को वो दोनों टर्मिनल पे लगा के पहले डिस्चार्ज कर लें। देखिए डिस्चार्ज तो ये पहले से है, लेकिन आप डिस्चार्ज कर लेंगे ज़्यादा ठीक रहेगा। ये डिस्चार्ज हो चुका है पहले से, और इसके बाद जो है इसको किसी चिमटी की सहायता से जो है आप शॉर्ट कर लीजिए। देखिए इस तरीके से चिमटी की सहायता से शॉर्ट कर लेंगे तो ये डिस्चार्ज हो जाएगा पूरा तरीके से। डिस्चार्ज हो गया, इसके बाद देख सकते हैं इसको सर्किट से निकाल कर बाकायदा हम चेक करके दिखाते हैं। एक निकाल के हम दिखा देते हैं आपको, उसके बाद दूसरा आप लोग वैसे ही समझ लीजिएगा। ये कंडेंसर निकल चुका है, इसको हम चेक करके दिखा दे रहे हैं आपको। तो ये मल्टीमीटर का कोई भी प्रोब किधर भी लगाइए, इसमें ज़्यादातर कंडेंसर में रीडिंग आके हट जाता है या तो नहीं आता है, तो इस तरीके का होता है, तो जो है ये सही है, देख सकते हैं आप इसको। देखिए रीडिंग आया, हट गया,
और इस तरफ भी प्लट लगाएंगे, रीडिंग आएगा हट जाएगा। देखिए आया रीडिंग हट गया, इसका मतलब ये हमारा कंडेंसर सही है। इसी तरीके से इसको भी चेक कर लेंगे, अगर रीडिंग कंटिन्यू आते रहेगा तो आपका ये कंडेंसर ख़राब है, तो इसके वजह से आपका एमसीबी ट्रिप कर सकता है। तीसरा और सबसे लास्ट कारण होता है, यहाँ देख सकते हैं हीट सिंक पर ये ट्रांजिस्टर तीन टू लगे होते हैं, एक तो ट्रांजिस्टर इसमें से निकला हुआ है, ये तीन ट्रांजिस्टर होते हैं, इसका नंबर होता है 13007, देख सकते हैं इस टाइप का ट्रांजिस्टर होता है, नंबर भी दिखा दे रहे हैं आपको। ये नंबर दिख नहीं पा, दिखा देख सकते हैं ये 13007 नंबर का ट्रांजिस्टर होता है। इसको चेक करने का तरीका हम बता देते हैं, देखिए दोस्तों इसका बेस इस साइड में होता है, देखिए एक बार बेस पे रखेंगे तो मल्टीमीटर कुछ नहीं दिखाएगा, इधर भी देख सकते हैं, यहाँ पर रेड प्रोब बेस पर रखेंगे तो कुछ नहीं दिखाएगा दोनों तरफ, पर ये रेड वाला पलट के रखते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोनों में दिखाना चाहिए, देख सकते हैं मल्टीमीटर इसमें भी दिखा रहा है इसमें भी, यानी ये ट्रांजिस्टर सही है। अगर इसमें भी अगर बीप का आवाज़ आता है इस तरीके का तो समझ लीजिए ट्रांजिस्टर गड़बड़ है, इस तरीके का नहीं आना चाहिए आवाज़, एक बार बताना चाहिए। देखिए रेड वाला प्रोब पर बता रहा है दोनों पर, ब्लैक वाले पर नहीं बताना चाहिए, देख सकते हैं ये इस तरफ इसका बेस रहता है यहाँ पर किनारे इस बाएं साइड में। तो ये तरीके थे जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपका SMP शॉर्ट है या नहीं। आशा करते हैं इसके बाद जो है ये सब इतना प्रॉब्लम देखने के बाद आप अपना समस्या सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद।